समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर से सांसद आजम खान को एडीजे कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। एडीजे कोर्ट ने सपा सांसद आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा, बेटे अब्दुल्ला आजम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अपर जिला जज धीरेंद्र कुमार ने आजम और उनकी पत्नी बेटे को 2 मार्च तक के लिए जेल भेज दिया गया है। दरअसल रामपुर के एडीजी 6 अदालत में आजम खान अपने परिवार के साथ पेश होने पहुंचे थे। पिछले काफी समय से कोर्ट के बुलाने पर भी आजम खान हाजिर नहीं हो रहे थे। गैर हाजिरी के चलते कई बार कोर्ट ने आजम खान, बेटे अब्दुल्लाह आजम और पत्नी तंजीम फातिमा के खिलाफ जमानती और गैर जमानती वारंट जारी किया था। आजम खान ने एडीजे 6 की कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर तीनों को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल आजम खान अपने परिवार के साथ कोर्ट परिसर में ही हैं। आपको बता दें कि कई मामलों में आजम की जमानत मंजूर हो गई है, लेकिन बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी प्रमाण पत्र और 2 पासपोर्ट के मामले में धारा 420 के तहत दर्ज मामले में जमानत याचिका खारिज की गई है। अब आजम खान को जमानत के लिए हाईकोर्ट जाना होगा। सांसद आजम खान और उनकी विधायक पत्नी और बेटे के कोर्ट में सरेंडर के बाद कचहरी परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिले के सभी सपा नेता और पदाधिकारी कचहरी में जमे रहे। वहीं भीड़ बढ़ने की वजह से परिसर की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। सभी गेट पर हर आने वाले की तलाशी ली जा रही है। आजम खान की गिरफ्तारी के बाद SP रामपुर ने कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताई है। देखिए, जो जमीनी खुदा होने का अपने आप को दावा करते थे, जब उनकी प्रदेश में सत्ता होती थी तो वो इंसान को इंसान नहीं समझते थे, गरीबों के ऊपर जुल्म ढाते थे, बेगुनाह लोगों को जेलों में ठूसते थे चरस के मुकदमे लगाकर। आज हकीकी खुदा ने उनके साथ इंसाफ किया है, आज रामपुर वालों को इंसाफ मिला है। वो शख्स जो अपनी सत्ता के नशे में चूर होकर गरीबों को जेल में ठूसता था, आज उसके ऊपर न सिर्फ अदालत की लाठी चली है, बल्कि ऊपर वाले ने भी उसको सबक सिखा दिया है, यह एहसास करा दिया है कि अगर तुम जमीन पर जुल्म ढाओगे तो एक ताकत ऊपर वाले की भी है। आज उनको एडीजे 6 की कोर्ट से जेल का परवाना मिला है। जेल जाएंगे आज आजम खान अपने पूरे परिवार के साथ। ये वही आजम खान है जिन्होंने न सिर्फ यतीमों की जगह पर कब्जा किया, बल्कि किसानों की जमीनों पर कब्जा किया और नाजायज संपत्तियां इकट्ठी की हैं। तो आज ये रामपुर के अंदर बहुत खुशी का माहौल है और तमाम लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। इससे अच्छा माहौल रामपुर में नहीं हो सकता। गौरतलब है कि कुर्की की मुनादी होने के बावजूद कोर्ट में पेश न होने पर अदालत ने सपा सांसद आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने सोमवार को तीनों की अग्रिम जमानत की याचिका भी खारिज कर दी थी। दरअसल आजम पर ये मुकदमा BJP नेता आकाश सक्सेना ने पिछले साल दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि अब्दुल्ला के 2-2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाए गए हैं। एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर से तो दूसरा लखनऊ से जारी किया गया है। रामपुर से रविशंकर की रिपोर्ट।